नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। की बड़ी खबर टीकमगढ़ से बता रहा है। यहां देहात कोतवाली थाने में दो पक्ष बढ़े हैं, रिपोर्ट लिखवाने आए। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष को अकेला देखकर दूसरे पक्ष ने किया था हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया है। टीकमगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जहाँ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। टीकमगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको। देहात कोतवाली थाने में दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, रिपोर्ट लिखवाने आए थे दोनों पक्ष। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अकेला पाकर उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधीर पटेरिया जुड़ चुके हैं। सुधीर, मामला जिस तरीके से सामने आया, थाने में दोनों पक्ष भिड़े हैं, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी उस वक्त? अरुण, मैं आपको बता दूं कि ये देहात थाने का मामला है जहां दो पक्ष एक रिपोर्ट लिखाने आए थे, लेकिन एक पक्ष अंदर जाके रिपोर्ट लिखा रहा था, उसी का एक व्यक्ति बाहर था, लेकिन दूसरा पक्ष जो था उसके एक दर्जन लोग बाहर खड़े हुए थे। उस अकेले व्यक्ति को देख करके उनके ऊपर एक तरफा झटके, जबकि ये देहात थाने का मामला है जहाँ पे पुलिस भी खड़ी हुई थी। आप स्पष्ट देख सकते हैं। सुधीर, सवाल है कि थाने के अंदर मारपीट की गई है, उस वक्त पुलिस कहाँ पर थी? अगर थाने में लोग सुरक्षित नहीं है तो थाने के बाहर सुरक्षित कैसे हो पाएंगे? जी, मैं वही क्वेश्चन आपको दर्शा रहा हूँ कि जहाँ पे पुलिस, देहात थाने का ये मामला है कि जहाँ पे पुलिस स्पष्ट रूप से दिख रही है और उनको बचाने में लगी हुई है, तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जहाँ पे दो पक्ष अगर रिपोर्ट लिखाने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पे एक पक्ष का एक व्यक्ति अगर देहात थाने के सिटी कोतवाली हो या देहात थाने का व्यक्ति हो, वहाँ पे उनके ऊपर एक दर्जन से व्यक्ति भी उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इस जगह पे पुलिस का क्या कर्तव्य होता है कि उनके प्रति, वो आप स्पष्ट उस पर भी देख सकते हैं विजुअल में कि पुलिस के व्यक्ति यू भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आप देख रहे हैं विजुअल में कि थाने के अंदर किसी व्यक्ति अगर रिपोर्ट लिखाने आ रहा है, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, क्या तो ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ी लापरवाही है। सुधीर, क्या माना जाए, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है कि दो पक्ष जब रिपोर्ट लिखाने के लिए आ रहे हैं, वहीं पे पुलिस थाने के अंदर उनके अंदर विवाद होता है, उनके मारपीट की जाती है, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी सुधीर, क्या मामला था ये, किस बात को लेकर दोनों पक्ष मामला दर्ज कराने आए थे? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पारिवारिक दो पक्षों का विवाद था, अगल बगल का विवाद था, जहाँ पे दोनों पक्ष रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे, लेकिन एक पक्ष के व्यक्ति अंदर रिपोर्ट लिखाने पहुंचे, वहाँ का एक व्यक्ति बाहर खड़ा था, तो उसको लेकर के ये पूरा मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस थाने के समीप में जो विवाद हुआ है उसने उन दोनों पक्षों को अंदर करके और दोनों पार्टियों के ऊपर मामला कायम कर दिया है, लेकिन इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन कितना पैसों खाने में लगा हुआ है कि जो पैसा, जो व्यक्ति पैसा ज्यादा देगा उसका सपोर्ट करेंगे हम। क्या सुधीर, इसके बाद थाना प्रभारी की तरफ से कोई जवाब आया है या पुलिस की तरफ से कोई बयान दिया गया है, जिस तरीके से मामला देखा जा रहा है, थाने का ये मामला है? नहीं, इस मामले में जो थाना प्रभारी अभी मैडम आई हैं, उनसे अपन ने बात की है, तो उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि दो पक्ष लड़ रहे थे, मैंने उन पक्षों को, दोनों पक्षों के ऊपर मामला कायम कर दिया है, तो ये रटा रटाया क्वेश्चन जो थाना प्रभारियों के द्वारा सामने आ रहा है, जब आपके थाने में दो व्यक्ति आ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको बराबरी से दोनों पक्षों के खिलाफ मामला कायम करना चाहिए, तो स्पष्ट होता है कि एक पक्ष के ऊपर आप मामला कायम कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट साबित होता है कि आपने किसी से पैसे लेकर के दूसरे पक्ष के ऊपर डबल उससे मामला कायम कर दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। आपको बता दें, टीकमगढ़ से एक खबर है, जहाँ देहात कोतवाली थाने में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, रिपोर्ट लिखवाने आए, दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है।